जब से मैंने Oppo Reno 8 Pro का अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल पर डाला है, आप सबका एक ही सवाल है, रिव्यू कब आएगा? तो मैंने कहा कि कुछ डिफरेंट करते हैं। Oppo Reno 8 Pro के रिव्यू के साथ साथ उसे OnePlus 10R से कंपेयर करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कंपैरिजन क्यों? सो Oppo Reno 8 Pro की जो प्राइस है वो 45,999 है फॉर 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, एंड वही OnePlus 10R का जो 150W चार्जिंग वेरिएंट है उसकी प्राइस है 43,999 फॉर द सेम रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट। ऑल्दो OnePlus 10R की जो प्राइस है वो 38,999 से शुरू हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, दोनों में MediaTek Dimensity 8100 Max चिपसेट है एंड दोनों में ही Sony IMX766 का प्राइमरी सेंसर दिया हुआ है। तो ये रीजन है इन्हें कंपेयर करने का। तो चलो बिना किसी देरी के कंपैरिजन शुरू करते हैं एंड सबसे पहले बात करेंगे कैमरा की। दोनों में ही ट्रिपल कैमरा सेटअप है। यहाँ Oppo Reno 8 Pro में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है एंड सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। OnePlus 10R में एग्जैक्टली सेम कैमरा सेटअप है, जस्ट दैट यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। अब Oppo ने Reno 8 Pro में खुद का इमेज प्रोसेसिंग चिप बनाया है, यानी कि Mari-Silicon X। नाम सुन के चौंकने की जरूरत नहीं। सो बेसिकली ये चिप क्या करता है, ये इमेज को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उसकी एल्गोरिदम को चेंज करता है फॉर बेटर कलर रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्लावर की फोटो ले रहे हो तो सेंसर जो है फ्लावर डिटेक्ट कर लेगा एंड उस हिसाब से कलर रिप्रोड्यूस करके इमेज प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर किसी फ्रेंड की फोटो ले रहे हो तो वो ह्यूमन सब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उस हिसाब से स्किन टोन को चेंज करके एक बेहतरीन फोटो प्रोड्यूस करेगा। अभी कितने काम का है वो तो आगे चलकर बात करेंगे, सबसे पहले फोटोज को कंपेयर कर लेते हैं। साइड बाय साइड यू कैन सी दोनों कैमरास काफी केपेबल है, इमेज शार्प और क्रिस्प आई है, ब्राइट है। इवन दो सेम सेंसर है, दोनों फोन से ली हुई इमेजेस में नोटिसेबल डिफरेंसेस भी है। सबसे पहले इन फोटोज की बात कर लेते हैं। कलर कॉम्पोजिशन में क्लियर डिफरेंस है। बिना टेक्निकलिटी में जाए क्लियरली दिख रहा है कि Oppo Reno 8 Pro वाली इमेज क्लियरर और ब्राइटर है। बिल्डिंग्स और क्लाउड्स दोनों ही अच्छे से रिक्रिएट हुए हैं। OnePlus 10R में शैडोज डार्क है। आपको कौन सा बेटर लग रहा है कमेंट करके बताओ मुझे। देन ये जो फोटो है इसमें शैंडेलियर की जो शार्पनेस है उसमें डिफरेंस साफ पता चल रहा है। Reno 8 Pro वाली जो फोटो है वो ज्यादा शार्प है और OnePlus 10R से जो ली हुई फोटोज है उसमें शार्पनेस की कमी है। OnePlus 10R से ली हुई फोटोज वार्म साइड पर भी है। फॉर एग्जाम्पल, इस फोटो में ये डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा है। इस हॉलवे को Reno 8 Pro ने इतने अच्छे से कैप्चर किया है, जो लाइटिंग्स है वो बिल्कुल नेचुरल लग रही है, बट वहीं OnePlus 10R ने काफ़ी ज़्यादा वार्म लाइटिंग कर दी है। पोर्ट्रेट शॉट्स में शार्पनेस और क्लैरिटी Oppo Reno 8 Pro में काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू दी OnePlus 10R। Reno 8 Pro वाली जो फोटोज है ज़्यादा शार्प है। इनफैक्ट यहाँ देख सकते हो कि 10R से ली हुई जो फोटोज है वो कितनी हेजी है, और इस इमेज में देखो स्किन टोन और टी शर्ट जो है वो दोनों म्यूटेड लग रहे हैं OnePlus 10R में। वहीं Reno 8 Pro में पिक्चर बहुत शार्प और वाइब्रेंट है। अभी तक तो Oppo Reno 8 Pro इज लीडिंग द गेम, आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। अल्ट्रा वाइड शॉट्स दोनों फोन्स के काफी तारीफ के लायक है। यूजुअली अल्ट्रा वाइड इमेजेस में जो एज होती है ना वो इतनी शार्प नहीं होती, बट इन दोनों कैमराज में यहाँ अच्छा काम किया है। नाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ गेम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इस फोटो को देखोगे तो लगेगा कि सही से कैप्चर हुई है, बिल्डिंग भी शार्प है, बट जब मैंने यही सेम फोटो यही सेम सब्जेक्ट की फोटो OnePlus 10R से ली तो पता चला कि पीछे एक पहाड़ है जो Reno 8 Pro ने कैप्चर ही नहीं किया। सो क्लियरली 10R की जो फोटोज है वो बेटर है, शार्प है। इनफैक्ट नीचे के जो पेड़ भी देख सकते हो कि वो 10R वाली इमेज में ज़्यादा ब्राइट कैप्चर हुई है। सेम यहाँ बाकी सारे फोटोज के साथ भी है। नाइट मोड में 10R से ली हुई फोटोज ज़्यादा शार्प और क्लियर है। सेल्फी में भी बड़ा ही 19-20 का फर्क है मुझे लगा, क्योंकि Reno 8 Pro से ली हुई सेल्फीज मुझे ज़्यादा पसंद आई क्योंकि वो वाइब्रेंट और ब्राइट है। यहाँ सेंसर डिफरेंस जो है वो साफ पता चल रहा है। नाउ कमिंग टू वीडियोज, दोनों फोन्स में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है बट 30 FPS पर। अब वीडियो देखो तो पता चल जाएगा कि OnePlus 10R की जो वीडियो है ना बहुत डार्क है, और वहीं Reno 8 Pro की जो लाइट है और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना मैंने कुछ शाम के 6 बजे के दौरान ली थी और जितनी लाइट इस वीडियो में दिख रही है, जो Reno 8 Pro ने कैप्चर की है वो बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिशन काफ़ी नेक एंड नेक है, क्योंकि दोनों ही फोन्स ने अच्छी फोटोज कैप्चर की है, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक विनर चूज़ करना
करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से विनर है ओप्पो रेनो 8 प्रो, क्योंकि नाइट फोटोज़ को छोड़कर इसने सारी एरियाज में अच्छा काम किया है, वहीं टेनआर ने नाइट फोटोज में अच्छा काम किया है। मैं तो थक गई भाई। कैमरे की बात हो गई, अब डिजाइन की बात करते हैं। सो ये रहे दोनों फोन्स मेरे हाथ में और डिजाइन का एक मेजर डिफरेंस यहाँ साफ पता चल रहा है। आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? सो ओप्पो रेनो 8 प्रो में ये जो बैक पैनल है ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, वहीं वन प्लस 10R में बॉडी पीछे की प्लास्टिक की बनी हुई है। तो ऑब्वियसली जो लुक एंड प्रीमियमनेस फील है वो मुझे ओप्पो रेनो 8 प्रो में ज़्यादा अच्छी मिल रही है। ऑल्सो यहाँ पर जो बॉडी है वो ओप्पो रेनो 8 प्रो में मेटल का है, वहीं वन प्लस 10R में प्लास्टिक की बॉडी बनी है। सो आई मीन यार क्लियर है, अगर आप हाथ में पकड़ रहे हो दूर से देख रहे हो तो लुक देखो यार, इसका मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एंड इनफैक्ट जो कैमरा मॉड्यूल में अगर आप देखोगे ना तो इसका काफ़ी थोड़ा प्रीमियम साइड पर ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो पॉइंट है वो ओप्पो रेनो 8 प्रो को ज़्यादा है। अगर कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स की बात करें तो दोनों में सारे सेम कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स दिए हुए हैं, SD कार्ड और हेडफोन जैक दोनों में ही मिसिंग है। ऑल्सो अगर वेट की बात करूँ ना तो दोनों के वेट भी सेम है, इवन ऑन पेपर स्पेक्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो क्लियरली फॉर मी द डिज़ाइन पॉइंट goes to Oppo Reno 8 Pro. अब बात करें अगर डिस्प्ले की तो यहाँ पर Reno 8 Pro एंड 10R दोनों की जो स्क्रीन साइज है वो सेम है, दोनों में ही 6.7 इंच की स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड ऑल्सो दोनों में ही Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर Oppo Reno 8 Pro में AMOLED पैनल यूज़ किया गया है एंड वहीं 10R में OLED पैनल, बट एज सच मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता चला जब मैं मूवीज़ इन पर देख रही थी। वीकेंड पर मैंने जादूगर देखा एंड दोनों में ही जो पिक्चर क्वालिटी थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। एक चीज जो मुझे एक हल्की सी फर्क पता चली वो ये है कि Oppo Reno 8 Pro में जो बेजल्स हैं और जो चिन है वो थोड़े पतले हैं एज कंपेयर टू 10R। अगर स्क्रोलिंग की बात करूं तो दोनों में ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, तो स्क्रोलिंग काफी स्मूथ है दोनों के ऊपर, ऐसा कोई फर्क नहीं पता चला, कोई लैग्स नहीं आ रहे। सो अगर डिस्प्ले की पॉइंट की बात करूं तो मेरा पॉइंट यहां दोनों को जाता है। सो बोथ द फोन्स हियर स्टैंड आउट फॉर मी। तो चलो अब बढ़ते हैं प्रोसेसर की तरफ। मेरा एक मेन रीज़न इन दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करने का था इनका चिपसेट, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स में MediaTek Dimensity 8100 Max चिपसेट मिलता है। एंड बता दूं कि मैंने यहाँ OnePlus 10R का 12GB RAM एंड 256GB स्टोरेज वेरिएंट ही यूज़ किया है, विच इज़ सेम एज दी Oppo Reno 8 Pro। एंड टू माय सरप्राइज दोनों में ही कोई मेजर डिफरेंस नहीं था परफॉर्मेंस के दौरान, क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स को मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया, जिस पर मैंने COD खेली एंड ऐसा भी नहीं कि थोड़े ड्यूरेशन के लिए खेला, काफ़ी लंबे स्ट्रेच तक दोनों ही फोन्स पर मैंने गेमिंग की। सो नो विजिबल फ्रेम लैग्स, नो फ्रेम ड्रॉप्स, नो ग्लिचेस, कोई मेरी स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई, गेम काफ़ी स्मूथली चले दोनों फोन्स में। सो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फोन्स स्टैंड आउट करते हैं एंड बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि एक को विनर चूज करना, तो मैंने यहाँ दोनों को ही पॉइंट्स दिए। अब चलो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। Oppo Reno 8 Pro में कलर OS 12.1 है, वहीं OnePlus 10R में Oxygen OS 12.1 है। अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे क्लीन सॉफ्टवेयर पसंद है जहाँ ब्लोटवेयर ना हो, और उस हिसाब से मुझे OnePlus का जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें ब्लोटवेयर नहीं थे, वहीं Oppo Reno 8 Pro में ब्लोटवेयर थे। तो अगर मुझे क्लीन सॉफ्टवेयर पसंद है तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट किसको जाएगा। सो पॉइंट यहाँ OnePlus 10R को जाता है। अब बात करते हैं बैटरी की। वेल, बैटरी दोनों ही फोन्स में सेम है, दोनों में 4500 mAh की बैटरी है, बट चार्जर में डिफरेंस है। सो Oppo Reno 8 Pro में 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर है एंड OnePlus 10R में 150 वॉट का सुपर वूक चार्जर है। ये अब तक का सबसे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है एंड मेरे हिसाब से तो यार देखो 80 वॉट का चार्जर भी सही है, मुझे इतनी लोड नहीं रहती कि मेरा फ़ोन जल्दी से चार्ज हो जाए। लेकिन अगर आप उनमें से हैं कि यूं गए और यूं आए और फ़ोन चार्ज हो गया, तो आपको ये 150 वॉट वाला चार्जिंग सपोर्ट लेना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं बैटरी कंजम्पशन की तो दोनों ही फोन्स फुल चार्ज होने के बाद एक दिन पूरा लास्ट करेंगे, गिवन दैट अगर आपने एक दिन में दो बार गेमिंग की, बट अगर आप मेरी तरह मॉडरेटली फोन यूज करते हैं तो अगले दिन भी बैटरी लास्ट करेगी। सो बैटरी कंजम्पशन एंड बैटरी ड्रॉप में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ चार्जर में डिफरेंस है। तो यहां पर सिंस OnePlus 10R फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देता है तो मेरा पॉइंट यहां पर OnePlus 10R को जाता है। अब बढ़ते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ।
फाइनली फाइनल वर्डिक्ट की बारी आ गई। सो देखो, दोनों ही फोन्स में ना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क है नहीं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, एंड इसलिए जो फाइनल स्कोर बैठ रहा है वो है 4-4। सो ओप्पो रेनो 8 प्रो के फ़ायदे हैं कैमरा, डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, एंड वही वन प्लस 10R के फ़ायदे हैं उसका डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर एंड बैटरी। तो देखो, बात बिल्कुल सिंपल सी है, अगर एक अच्छा दिखने वाला फ़ोन चाहिए और एक अच्छे कैमरे के साथ तो ओप्पो रेनो 8 प्रो ले लो, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर और बैटरी तगड़ी चाहिए, अच्छी चाहिए, तो वन प्लस 10R ले लो। मैंने तो बहुत देर से बोल दिया, अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताओ कि कौन सा फ़ोन आपको अच्छा लग रहा है। तब तक मैं जाकर आपके कमेंट पढ़ती हूँ और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।